एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल एसएस एकेडमी। आज मैं आपको समर वैकेशन वर्कशीट से दिखाती हूँ। बच्चों को बोर हो जाता है, खेलते तो कितना खेलते ना, तो मैंने ये वर्कशीट बनाई है। आप लोग बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे दो। या मैंने कलरिंग का पेज दिया है, वर्कशीट कलरिंग डू इट कलर। सब समर सीजन के ऑब्जेक्ट्स है, ये सनफ्लावर, ये वाटरमेलन, चोकोबार एंड आइसक्रीम। ये कलरिंग के लिए बच्चों को दे दो। सनफ्लावर का कलर कौन सा है ये बच्चों को पूछो, वो दे देगा स्टेम को अलग कलर, लीफ को। ये वाटरमेलन साइड को कौन सा आता है और भी अंदर में कौन सा आता है, ये चोकोबार, ये आइसक्रीम, ओके। और नेक्स्ट वर्कशीट है राइट द मिसिंग नंबर्स, ये भी मैंने एक वीडियो डाला था पहले। यहाँ है 3 कैटरपिलर्स मैंने राइट किए हैं। 1 कैटरपिलर में 1 to 10, 2nd में 11 to 20 एंड 3rd में 21 to 30। इसमें 1 आफ्टर कौन सा नंबर आता है ये बच्चों को पूछो, वो बोलेंगे और राइट करेंगे 1 to 10। और बाद में 11 के आफ्टर कौन सा आता है 12, 22 से पहले कौन सा आता है बिफोर नंबर 21। ऐसे है पेज कंप्लीट करके ले लो। नेक्स्ट पेज मैंने किया है शेप्स राइट किए। यहाँ ऊपर लिखा है वर्कशीट पेस्टिंग पेस्ट द शेप्स, ओके। आपके पास जो भी पेपर होगा वो पेपर ले लो और उसका ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इसके इस साइज के हिसाब से कटिंग करो और बच्चों को पेस्ट करने के लिए बोलो। जब आपके पास कलर का पेपर नहीं तो भी चलेगा, न्यूज़पेपर का भी कटिंग करके दे दो। ट्रायंगल पेपर रखो, सर्कल के ऊपर रखो, वो बच्चे करेंगे। नेक्स्ट पेज मैंने किया है अगेन राइट द लेटर्स ए टू जेड, ओके। मैंने ऊपर लिखा है ए बी सी डी, तो बच्चों को यहाँ लिखने के लिए बोलो ई एफ जी एस, ऐसे मैंने ए टू झेड़ किया है। ये भी बच्चों का प्रैक्टिस हो जाएगा। और नेक्स्ट वर्कशीट है राइट द आफ्टर नंबर्स, टू आफ्टर कौन सा आता है ये भी मैंने वीडियो डाला था, बिफोर आफ्टर एंड मिडल, टू आफ्टर 3 बच्चों को लिखने के लिए बोलो, ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्कशीट है काउंट द पिक्चर्स एंड ज्वाइन द नंबर्स, ये भी मैंने एक वीडियो डाला था पहले वर्कशीट का। यहाँ बॉल्स है, बॉल्स कितने हैं ये बच्चों को काउंट करने के लिए बोलो और यहाँ मैंने नंबर दिए हैं। यहाँ बॉल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 कहाँ है ये बच्चों को यहाँ फिंगर रखने के लिए बोलो और बाद में उसे जोड़ने के लिए बोलो, ज्वाइन करने के लिए बोलो, ओके। और नेक्स्ट वर्कशीट सर्कल द लेटर दैट इच पिक्चर स्टार्ट विथ, यहाँ मैंने मून ड्रॉ किया है। मून का पहला लेटर कौन सा आता है फोनिक, एम। फोनिक कौन सा आता है एम, तो एम को ऐसे सर्कल करने के लिए बोलो, ओके। यहाँ मैंने बैट ड्रॉ किया है, बैट का कौन सा आता है एन सेज नन्न बैट, नो। बी सेज बब बैट, यस बी इज करेक्ट, तो बी को सर्कल करो। एप्पल का कौन सा आता है, ट्री का कौन सा आता है, वो बच्चों को सर्कल करने के लिए बोलो जो फोनिक्स आता है उसे। यहाँ इंग्लिश का वर्कशीट मैंने किया है ज्वाइन द सेम लेटर्स, यहाँ कैपिटल लेटर्स दिए हैं या स्मॉल लेटर्स दिए, ये भी मैंने एक वीडियो डाला था पहले। यहाँ कैपिटल ए है तो बच्चों को ढूंढने के लिए बोलो यहाँ ये कहाँ लिखा है, यहाँ है, तो ए से ए तक ऐसे ज्वाइन करने के लिए बोलो। ये पूरा पेज करने के लिए बोलो, उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट पेज काउंट द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर, क्या करना है यहाँ बॉल्स काउंट करने हैं और उस बॉक्स में नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 लिखना है। वो ऐसे ही बच्चों को काउंट करने के लिए बोलो और बॉक्स में नंबर लिखने के लिए बोलो। नेक्स्ट है यहाँ इंग्लिश वर्कशीट सर्कल द मैचिंग स्मॉल लेटर इन ईच रॉ, यहाँ मैंने कैपिटल लेटर से दिए हैं, वही लेटर
इस लाइन में दिया है लेकिन वो स्मॉल है, यहाँ मैंने कैपिटल दिया है लेकिन ये सब लाइंस स्मॉल लेटर्स की है, तो यहाँ बच्चों को ढूंढने के लिए बोलो। यहाँ मैंने ए दिया है तो ये कहाँ आता है, स्मॉल ए यहाँ आता है, तो मैंने यहाँ सर्कल किया है। नेक्स्ट लेटर कैपिटल सी, तो सी आया है तो स्मॉल सी कहाँ है, यहाँ है, तो सी को मैंने सर्कल किया है। ओके, ऐसे मैंने 10 वर्कशीट बनाई है, आप भी बच्चों को बनाकर दे दो, उनका टाइम भी जाएगा, वो बोर नहीं होंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।